खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। गुब्बारे से मिला आइडिया और छात्र ने बना डाला एक ऐसा बाइक जो कि हवा से चलता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्या उसने किस कदर उसने ये बाइक बनाया है और लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, उसके बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। देहरादून से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर अद्वैता नाम का एक लड़का है, 11 साल का और छठवीं कक्षा में पढ़ता है। उसने एक ऐसा बाइक बना दिया है जो कि ना तो पेट्रोल से और ना तो बैटरी से चलता है, सिर्फ और सिर्फ हवा से चलता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें कैसे हो सकती है, तो इसको एक ऐसा आइडिया आया गुब्बारे से। तो गुब्बारे से आइडिया आने के बाद अद्वैता को पता चला कि अगर ये गुब्बारा ऐसा चल सकता है तो हमारा बाइक क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोदी सरकार काफी सारे ऐसे योजना चला रही है, काफी सारी ऐसी बातें करती रहती है कि पॉल्यूशन खत्म करो, पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा बढ़ते रहते हैं और उसके बाद काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है। अगर हवा से चलने वाले कोई ऐसे बाइक्स मिल जाएंगे तो कैसा होगा, मतलब कि प्रदूषण तो खराब होगा ही नहीं मुझे लगता है। तो उसी के साथ ही अद्वैता ने एक ये चीज बताया कि मैं और मेरा जो भाई है छोटा, हम दोनों मिलके गुब्बारे फुला रहे थे और उसको नीचे रख रहे थे, वो अपने आप ही हवा से आगे जा रहा था। तो इस चीज से मुझे आइडिया आया और आइडिया आने के बाद मैंने अपने पिताजी को बताया और पिताजी को बताने के बाद उन्होंने मेरी बाइक बनाने में हेल्प की। पहले हमने डेमो बनाया और डेमो बनाने के बाद हमने धीरे धीरे बाइक बना दी। जैसे कि आप फोटोज देख ही पा रहे हैं तो ये उसने बाइक बना दी है और बाइक बनाने के बाद जब उसे पूछा गया कि ये एडवाइस कहाँ से आई, ये तुम्हें सलाह कहाँ से आई, तो उसने ये बताया कि ये गुब्बारे से आया है और ये जो बाइक है वो पर्सनली जाके मोदी जी को गिफ्ट करना चाहता है। और वो उसका कहना ये है कि मोदी सरकार काफी सारे ऐसे काम करती है कि ये सब चीजें ना हो, तो मैं उनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ इस बाइक के जरिए कि एटलीस्ट मेरा भी नाम हो और मेरा भी कुछ योगदान हो कि मैंने प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, लोगों के लिए कुछ किया है। तो गाइज आपको क्या लगता है, इन्होंने जो बाइक बनाया है वो काफी ज्यादा मजेदार है? सच्ची बात है, अगर कोई पेट्रोल या कोई बैटरी से नहीं चल रहा या हवा से चल रहा है तो वो बाइक काफी ज्यादा मजेदार हो सकता है, पर इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि अगर हवा से बाइक चलेगा तो हवा से अगर बाइक चल गया तो हवा क्या गंदी नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो किस कदर से नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके विचार और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।